हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमिक कॉन इवेंट के बारे में, जिसमें मार्वल और डीसी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स और लीक्स निकल के आ रहे हैं कि आपको कौन कौन सी मूवीज कॉमिक कॉन इवेंट के दौरान अनाउंस होते हुए दिख सकती हैं, और कुछ मूवीज के न्यू पोस्टर्स भी आउट हुए हैं और कुछ न्यू लीक्स भी निकल के आए हैं। तो चलिए गाइस, सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस, 2022 का कॉमिक कॉन मार्वल और डीसी दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जहां दोनों प्रोडक्शन कंपनीज अपनी अपनी मूवीज के साथ उतरने वाली हैं। देखना ये होगा कि क्या माल हमें देखने को मिलने वाला है कल होने वाले इवेंट में, बट उससे पहले कुछ लीक्स और अपडेट्स आ चुके हैं मेरे पास, तो चलिए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल की तरफ से आने वाले अपडेट्स के ऊपर। सो गाइस, सबसे पहले डेडपूल 1, डेडपूल 2 और लोगन, ये तीनों मूवीज आज से आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, चाहो तो आप देख सकते हो। देन सी हल्क का भी एक न्यू पोस्टर रिलीज किया गया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। साथ ही में मिस मार्वल सीरीज के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किए गए हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। और साथ ही में थॉर लव एंड थंडर से गॉडेस बास्ट का भी एक क्लोज लुक देखने को मिला, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। और थॉर लव एंड थंडर से ही एक कॉन्सेप्ट रिलीज किया गया गॉड द गॉड बचर का। सो आप देख के बताओ कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है गॉड का, कमेंट करके जरूर बताना गाइस। देन गाइस, कॉमिक कॉन इवेंट में हमें स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, द म्यूटेंट्स और एक्समैन 97, ये तीनों मूवीज के अनाउंसमेंट होते हुए देख सकती हैं। गाइस, स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर से एक न्यूज निकल के आ रही है, टॉम हॉलैंड इस सीरीज में अपनी वॉइस नहीं देने वाले हैं। देन मैडम वेब मूवी से भी कुछ लीक सेट फोटोज आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। देन कुछ टॉयज जो कॉमिक कॉन इवेंट के लिए रखे गए हैं। देन रिपोर्ट की माने तो मार्वल की अपकमिंग सीरीज द मार्वल्स में पार्क सियो जून नाहवूर कैरेक्टर प्ले करेंगे। देन गाइज, अब बात करते हैं कि कॉमिक कॉन में और क्या इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है, जो कि कन्फर्म है। सो गाइज, कॉमिक कॉन में हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर देखने को मिल सकता है, जो कि कन्फर्म है। सी हल्क का न्यू ट्रेलर देखने को मिल सकता है, ये भी कन्फर्म है। कैन द कॉन्करर का फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है, ये भी कन्फर्म है। साथ ही में वेयरवुल्फ बाय नाइट की भी अनाउंसमेंट हो सकती है। साथ ही में डेडपूल सीरीज की भी अनाउंसमेंट हो सकती है। कैप्टन अमेरिका 4 की अनाउंसमेंट होगी। देन डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट तो होनी होनी है। सो गाइज, इतने चीज जो है वो कन्फर्म है, वो कॉमिक कॉन इवेंट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं डीसी कॉमिक कॉन इवेंट में कि हमें क्या देखने को मिलने वाला है डीसी के कॉमिक कॉन इवेंट में। तो गाइज, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हेनरी काविल एज सुपरमैन रिटर्न कर सकते हैं अपने रोल के लिए, जो कि हमें मोस्ट प्रोबेबली कॉमिक कॉन के लाइव इवेंट में पता चली जाएगा। और उनकी एक पिक्चर्स भी लीक हुई है, आई डोंट नो ये रियल है या फेक है, बट कुछ होने वाला जरूर सुपरमैन को लेके कल के कॉमिक कॉन इवेंट में। देन हमें शज़ाम 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स का भी अनाउंसमेंट होते हुए दिख सकता है। देन ब्लैक एडम मूवी का भी कोई हमें नया ट्रेलर देखने को मिल सकता है। और गाइज, एक बैड न्यूज़ भी है कि डीसी के फैन लोग के लिए, बिकॉज जिम ली ने कॉमिक कॉन इवेंट के दौरान ये कहा है कि अभी वो स्नाइडर वर्स को लेकर उनकी कोई प्लान नहीं है, अभी वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। सो अभी हमें स्नाइडर वर्स देखने को नहीं मिलने वाला है। देन हमें ब्लैक एडम में कुछ न्यू फोटोज भी देखने को मिले हैं, जिसमें डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर, ब्लैक एडम, इन सब के न्यू लुक देखने को मिले हैं। और गाइज, फ्लैश मूवी की भी अनाउंसमेंट वार्नर ब्रोस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ एज़रा मिलर का जो कंट्रोवर्सी हुआ था। सो मुझे लगता है कि अब कोई और ही फ्लैश का रोल भी प्ले करेगा, जिसकी वजह से ये मूवी और भी डिले होगी। देन जैक फिनी जो कि जोकर का रोल प्ले करते हैं, जोकर 2 में भी वो होने वाले हैं, और उन्होंने अपने इस रोल के लिए जोकर 2 में $20 मिलियन की डिमांड की है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, जो भी अपडेट्स आए थे उन सभी को मैंने इसी एक वीडियो में कवर कर दिया है। तो आई होप कि आप अपडेटेड हो गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करके उन्हें भी अपनी तरह अपडेट कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।